चेन्नई एक्सप्रेस की कल शाम रखी गई सक्सेस बैश, जहां इस फिल्म के सभी स्टार कास्ट मौजूद थे एक्सेप्ट दीपिका पादुकोण, एज शी जस्ट लेफ्ट विद हर पेरेंट्स टू हॉलिडे इन स्पेन। इस इवेंट पर शाहरुख लेट पहुंचे, जिस पर उन्होंने अपोलोजाइज करते करते कुछ और भी कहा। सुनिए क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई डोंट वांट टू टेक मोर ऑफ योर टाइम। आई थिंक वन अपोलॉजी इज कि हमने शुरुआत लेट में किया, लेकिन अब हक से हम लेट शुरू कर सकते हैं एक दो दिन तक। जी हाँ, हक से लेट इसलिए हो सकते हैं बिकॉज शाहरुख फिल्म हैज डन सो वेल। वेल, इस इवेंट पर शाहरुख ने एक और खुलासा इनडायरेक्टली कर ही दिया कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बन सकता है। अभी अभी नहीं मिला है वो। अच्छा, उसको ढूंढने के लिए फिर जाऊंगा मैं चेन्नई एक्सप्रेस में। सीक्वल होने का। हाँ, दीपिका को घर में छोड़ के ये बहाना बना के, जैसे तू बनाता है अपनी बीवी के साथ कि मेरा वो फोन घूम गया डार्लिंग, उसको लेकर आऊँ तो वो लेने के लिए जाऊंगा। चलिए, पता चल गया कि सीक्वल बनने वाला है। जब चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी धमाल मचा दी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द सीक्वल टू। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।